हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग की सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स जो कि अगेन इन सी कंजर्वेशन का एग्जांपल है प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बायोस्पियर रिजर्व्स क्या होते हैं और जो उनकी लिस्ट है कंप्लीट जो बायोस्पियर रिज़र्व है इम्पोर्टेंट बायोस्पियर रिज़र्व जो है उसका कुछ हमने नेम जो है वो अपने शॉर्ट्स वीडियो में मैंने वीडियो अपलोड की है आप जाके देख सकते हैं सो so, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं वीडियो छोटा है बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो लेट्स स्टार्ट so if we talk about the definition of biodiversity hotspots so actually biodiversity hotspots are the are a biogeographic region with significant levels of biodiversity that is threatened by human हैबिटेशन मतलब बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट है वो एक ऐसा बायो जियोग जियोग्राफिक रीजन होता है यानी कि काफ़ी बड़ा रीजन होता है जिसमें कि मेगा बायोडाइवर्सिटी यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट में जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल की बायोडाइवर्सिटी है जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन की, की वजह से डिस्टर्ब हो चुकी है या फिर हैबिटेट की वजह से उनका जो है वहाँ पर जो ह्यूमन का जो इंटरफेयर है उसकी वजह से जो आ, जो बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो चुकी है तो वहाँ पर इसको जो है कंजर्व किया जाता है राइट तो ओवरऑल uh, हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स जो हैं एम्स टू कंजर्व मेगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑफ द इन्वायरमेंट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो मेगा बायोडाइवर्सिटी होती है एक रीजन में तो उसको कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो हैं वो बनाए गए हैं राइट सो so, अगर वर्ल्ड में बात करें तो टोटल थर्टी सिक्स बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं और उसमें से जो हैं अगर हम बात करें फोर जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है वो इंडिया में हैं जो कि काफ़ी बड़े रीजन को कवर करते हैं तो इंडिया हैज़ अ रिच बायोडाइवर्सिटी विद फोर मेज़र बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट विद विद मच इंड फोना एंड फ्लोरा यानी कि इन पर्टिकुलर रीजन में जो जो स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल की इंटेंजेंट होने वाले यानी कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो एक्सटिंट हो जाएँ तो उनको जो है कंजर्व करके यहाँ पर रखा जाता है द बायोडाइवर्सिटी अगर हम बात करें हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आर दी ईस्टर्न हिमालयास इंडो बर्वा रीजन वेस्टर्न घाट्स एंड सुंदर इट शुड बी सुंदर लैंड ओके okay, सुंदरवन लैंड तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि वेस्ट बंगाल का एरिया कवर करता है तो चार जो है आपको इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिलेंगे दीज आर ईस्टर्न हिमालयास इंडो बर्मा रीजन वेस्टर्न घाट्स एंड सुंदरवन जो डेल्टा वाला जो रीजन है लैंड वहाँ पर जो है ये ये एरिया पर्टिकुलर कवर है अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की इम्पॉटेंस क्या है बायोडावर्सिटी हॉट स्पॉट हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस विद इन द इकोसिस्टम। तो इसका मेन रोल है कि ये जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को मैंटेन करने के लिए इको में दे हैव इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक फंक्शन तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन होता है वहाँ पर टूरिस्ट का वो काफ़ी अच्छा प्लेस होता है विजिट करने के लिए तो जिससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन का और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ डिफरेंट प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को कंजर्व किया जाता है और साइंटिफिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के एजुकेशनल पर्पज़ से या हम कह सकते हैं रिसर्च पर्पज़ से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इम्पैक्ट ऑफ कंजर्वेशन की अगर हम बात करें कि इसका कंजर्वेशन पे क्या इम्पैक्ट पढ़ रहा है बेनिफिट्स ऑफ़ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का क्या बेनिफिट्स है सो so, अगर हम बात करें इम्पोटेंस को अगर हम इसकी बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हॉट इस्पॉट एज़ आई टूल यू कि बायोडाइवर्सिटी हॉट इस्पॉट इकोलॉजिकल बैलेंस प्रमोट होता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए एरिया काफ़ी अच्छा प्रोवाइड होता है और रिसर्च के लिए साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि एक सेंटर है सेंटर ऑफ हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट सेंटर है सो so, ये है एक छोटा सा डिस्कशन अबाउट दी बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग